नमस्कार, मैं हूं करण और ये दिशा है देवबंद रेलवे स्टेशन की। और आज के वीडियो में बात होगी देवबंद रूट की लाइन को लेकर, जो देवबंद स्टेशन पर बदलाव किए जा रहे हैं उसमें क्या प्रगति आई है। और ये दिशा है मुजफ्फरनगर की और शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं और यहां से लेकर मैं आपको देवबंद रेलवे स्टेशन की ओर जाऊँगा। वहाँ पर मैं आपको पूरा डीपली एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या प्रगति हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए आप लोग। और अब यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। आप लोगों को यहाँ पर कुछ बदलाव नज़र आ रहे होंगे। बाएँ और दाएँ तरफ यदि आप देखें तो यहाँ पर नए पोर्टल्स इरेक्ट किए गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर नए ट्रैक्स आएंगे, नई लूप लाइंस निकलेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जो नए ट्रैक्स लेंगे उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर पोर्टल इरेक्ट कर लिया गया है दाएँ और बाएँ तरफ। फिर इसके ऊपर बूम आएगा, यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर पोर्टल और बूम इरेक्ट किया जाता है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग OHE मास्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, BFB और RSJ टाइप के जो लगे हैं, ये यहाँ से हटेंगे, कटेंगे। और फिर जो ये पोर्टल और बूम इरेक्ट किए जाएंगे, यहाँ पर पोर्टल इरेक्ट हो चुके हैं, फिर बूम इरेक्ट होगा, उस पर ड्रॉप आर्म लगेगी और फिर उस पर जो है OHE शिफ्ट हो जाएगी और ये बीच में से जितने भी मास्ट हैं ये हट जाएंगी और ये नए वाले जो पोर्टल हैं इन पर जो है नई OHE आ जाएगी। और अब हम चलते हैं देवबंद स्टेशन की दिशा में। अब मैं धीरे धीरे देवबंद स्टेशन की दिशा में बढ़ रहा हूँ और मैं उस रेलवे क्रॉसिंग से यहाँ तक चल के पहुँचा हूँ। और मौसम देखिए, अभी आगे बारिश भी हो सकती है लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो ये देखिए एक और पोर्टल यहाँ पे, और एक मेन चीज़ देखिए यहाँ पे, एक शंट सिग्नल यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। हालांकि अभी कनेक्शंस वगैरह नहीं किए गए हैं, शंट सिग्नल लगा है, मतलब कि यहाँ पर अभी एक टर्न आउट निकलेगा, मतलब कि यहाँ से जो है ट्रेन स्विच करेगी, कोई लूप निकलेगा यहाँ से। और जो है ये दोनों, असल बात यह है कि अप और डाउन दोनों लाइंस को जो है आपस में लिंक किया जाएगा, ताकि कोई ट्रेन अप साइड से आए तो वो डाउन लाइन में चली जा सके, और यदि कोई ट्रेन डाउन से आ रही है शंटिंग के लिए तो वो अप लाइन में जा सके इजीली। तो ये देखिए यहाँ पर रिले हट, ये भी रेडी है, इसमें भी लगातार जो है जितने भी रिलेज वगैरह हैं वे इंस्टॉल कर दी गई हैं। और जितना भी हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, SNT डिपार्टमेंट कही है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है। और ये देखिए एक और पोर्टल यहाँ पे इरेक्ट है, और अब यहाँ से देखिए आगे एक और शंट सिग्नल इंस्टॉल किया गया है, एक तो ये जल रहा है और आगे एक और है। और यहाँ पर इससे जो नीचे देख रहे हैं ना आप, जहाँ पर मैं चलने वाला हूँ अभी, वहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है उस तरफ, उस दिशा में। वो मैंने ब्रिज दिखाया भी था, अगर आपने नहीं दिखाया तो देख लेना जाके। तो ये देखिए ये पुराना शंट सिग्नल है, और उधर देखिए एक नया शंट सिग्नल इंस्टॉल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी एक दाएं तरफ लूप निकलेगा, जो प्लेटफॉर्म नंबर जो नया बनेगा ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो वहाँ पर जाएगा। और वहाँ पर जो है नाले पर एक नया ब्रिज बनाया गया है, उसके लिए नाला काफ़ी दिन से बंद था। और अब एक लूप जो है यहाँ से निकलेगा, जो देवबंद का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है वर्तमान में, हालाँकि उसकी नंबरिंग चेंज कर दी जाएगी अब। और देखिए आगे JCB लगी हुई है, उसके लिए रेलवे बनाया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर JCB लगी हुई है, लगातार जो बैलास्ट है, रेलवे तो बन ही चुका है और उसके ऊपर बैलास्ट को जो है ये फैला रही है। और फिर मैंने दिखाई दिया आपको पीछे कि कहाँ से वो लूप निकलेगा, और देवबंद का जो वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 है उसकी नंबरिंग तो चेंज हो ही जाएगी। तो अब वर्तमान स्थिति ये है कि अब बहुत जल्द ही जो देवबंद का प्लेटफॉर्म नंबर 3 था पुराने वाला ट्रैक, उसको जो है जल्द ही लिंक किया जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 जल्दी शुरू हो जाएगा और नंबरिंग चेंज होगी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो ये देखिए दाएं हाथ में ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये अप लाइन है, मेन लाइन, और इसमें से जो है अप लूप निकलेगा और ये देखिए वहाँ जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर पुराना एक पुरानी लूप लाइन हुआ करती थी, और फिर इसको जो है डिसमेंटल कर दिया गया था। अब उसको जोड़ने का, उसको लिंक करने का समय आ गया है। और ये देवबंद स्टेशन के अंतिम छोर पर हूँ मैं, और ये देखिए रेलवे, और उधर जो है नया प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड है वहाँ पर एक और नया प्लेटफॉर्म बनेगा अभी, और उसके लिए जो है कास्टिंग चल रही है लगातार। और देखिए देवबंद का जो साइन बोर्ड है वो कैसे वहाँ पर उखाड़ के रख दिया गया है। अब धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। तो ऐसा ही आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो वर्तमान का था उस पर जो है रेलवे बना के ऐसे बैलास्ट फैला दी गई है। और मैं वहाँ से चल के यहाँ चुका हूँ, उधर ही JCB लगी हुई है जो पीछे आपने देखी थी, और ऐसे भी मैं आगे स्टेशन पर पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। और उधर देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, आर पार हो चुका है, बाउंड्री तोड़ दी गई है। और अब मैं ठीक सामने हूँ देवबंद रेलवे स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके ठीक सामने, और देवबंद स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको 50% से अधिक जो है ध्वस्त किया जा चुका है। और अभी टिकट जो है वो फ़िलहाल यहीं पर मिल रहा है, और जो नया टिकट घर बना है, टेम्प्रेरी टिकट घर, वो उस तरफ बना है, वो भी मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले ही कुछ अपने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में।
तो ये आप देख लीजिए, इतना हिस्सा बचा है इसको भी बहुत जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा और नई बिल्डिंग इसे तोड़कर ही बनेगी पीछे की ओर खिसकाते हुए, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म आएगा भी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, इसमें इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई रूम, रिले रूम वगैरह हैं, डायग्नोस्टिक रूम वगैरह हैं। तो जो लोग भ्रमित थे कि इस बिल्डिंग में जो है टिकट मिलेगा, कुछ लोगों को भ्रम था कि इसमें जो है टिकट वगैरह मिलेगा, लेकिन नहीं, ये बिल्डिंग सिग्नलिंग के लिए है, नई बिल्डिंग उधर बनेगी। जैसा कि मुझे शक था कि बारिश होगी और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है इस समय, और अभी मैं फुटओवर ब्रिज से आपको दिखाऊंगा नज़ारा। एक तो SNTA बिल्डिंग जो मैं दिखा चुका हूँ उसको भी दिखाऊंगा दोबारा से, और जो नई बिल्डिंग बनेगी देवबंद की जहाँ पर टिकट वगैरह मिलेगा उसकी नींव धर दी गई है वो भी दिखाऊंगा। तो अब मैं फुटओवर ब्रिज पर खड़ा हूँ और ये SNTA बिल्डिंग है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2 और 1। बाद में इन प्लेटफॉर्म्स की नंबरिंग जो है वो बदल दी जाएगी। और फुटओवर ब्रिज से आप लोग देख लीजिए, भीगा हुआ फुटओवर ब्रिज है, बारिश जो है वो थोड़ी थम गई है, बारिश जो है बहुत देर तक हुई, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा था। और ये देखिए बिल्डिंग जो है साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन, बस बीच का हिस्सा बचा है उसको बहुत जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा और नई बिल्डिंग जो है यहीं बनेगी बगल में, बीच में पेड़ है। नीचे उतर के दिखाता हूँ, बहुत गीला गीला हो गया है सब। अब देखिए कितने घने पेड़ हैं और इन सब पेड़ों की कटाई होगी अभी यहाँ से, तो जितनी भी ग्रीनरी है देवबंद स्टेशन से वो गायब होने वाली है, और ये पेड़ भी बहुत पुराने हैं। जो लोग पेशेंस से इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये देखिए ये नींव धर दी गई है बिल्डिंग की, यहीं पे जो है बिल्डिंग यहीं से बनेगी। अब मैं जो है पुराने जो SNTA बिल्डिंग है वहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, और उधर देखिए जो नींव धरी गई है नई बिल्डिंग की वो वहीं से बनेगी। देखिए आप उस पर जो है 4 पिलर्स से निकलते नज़र आ रहे होंगे आपको, इसमें भी कॉन्क्रीट भरा जाएगा। असल में मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये बहुत ही विशाल पेड़ है और उसमें से जो है मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, हालांकि बारिश रुक गई है, तो मैं यहाँ बचते बचाते खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म आएगा, अभी मैं नीचे दिखाता हूँ। देखिए नीचे जो है येलो कलर से मार्किंग की हुई है, ये देखिए ये येलो डॉट आप अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आएगा अभी। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नया टिकट घर होगा मेरे ठीक पीछे है, पीछे जो है सामान रखा हुआ है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और देखिए तमाम जितना भी सरिया वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, जो जितना भी सिविल वर्क में इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और हाइड्रोलिक क्रेन जो है यहाँ पर लगी हुई है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स की जो कंक्रीट के प्लेटफॉर्म है उनकी कास्टिंग की जा रही है, उनको जो है इधर से उधर शिफ्ट कर रहा है, और बारिश में भी लगातार काम चल रहा है। तो देवबंद स्टेशन से आज इतनी अपडेट है और काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।